हाँ जी एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉमेडी ड्रामा फिल्म मडगांव एक्सप्रेस की ओटीटी रिलीज डेट और टाइमिंग के बारे में। कब, कहाँ और कितने बजे ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मडगांव एक्सप्रेस को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 1 महीने 10 दिन का समय हो गया है और ये फिल्म अभी भी टिकट खिड़की पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की शुरुआत तो धीमी रही थी और इसे दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में चुनौती का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि इस फिल्म का रणदीप हुड्डा की बायोग्राफिकल फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ क्लेश हुआ था। हालांकि कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस ने रणदीप हुड्डा के निर्देशन में बनी फिल्म को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया और सिनेमा रिलीज के 40वें दिन भी ये फिल्म दुनिया भर में कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जी हां फ्रेंड, जानकारी के लिए आपको बता दें 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रतीक गांधी, दिव्येंदु शर्मा, अविनाश तिवारी और नोरा फतेही स्टारर मडगांव एक्सप्रेस लोगों को खूब पसंद आई। 30 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और फिल्म के ओटीटी पे आने का आप वेट कर रहे हैं तो अब आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल जानकारी के मुताबिक कल यानी 3 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर मडगांव एक्सप्रेस अपना ओटीटी प्रीमियर करेगी रेंट मॉडल पर। जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेट्स के अकॉर्डिंग रेंटल बेसिस पे ये मूवी प्राइम वीडियो पर 3 मई को आप सभी को देखने को मिल जाएगी। हालांकि Amazon प्राइम वीडियो की तरफ से अभी तक फिल्म की OTT रिलीज को लेकर कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन अगर ये मूवी कल ही OTT पे आ जाती है तो आपको कल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज रात 12 बजे से ही ये फिल्म आप देख पाएंगे रेंटल बेसिस पे। तो दोस्तों, फिलहाल तो यही अपडेट है। बाकी चैनल की तरफ से फिल्म की OTT रिलीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी शेयर की जाती है तो हम आपको अपने चैनल के कम्युनिटी टैब या फिर इंस्टा स्टोरी के जरिए इन्फॉर्म कर देंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।